टॉपिक है वो है लाइफ स्किल्स टू टैकल ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग अब्यूज यानी कि जो बच्चे ड्रग्स में या जो भी इंसान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनकी हेल्प से वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ड्रग्स से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और वो कौन सी स्किल है। तो पहला पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, अपने बारे में जानना और अपने आप को किस तरह आप अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइम किस तरह मैनेज कर सकते हो। देन एम्पैथी एंड सिंपैथी, एम्पैथी सिंपैथी होती है हमदर्दी और एम्पैथी होगी आप उसकी जगह अपने आप को खड़े होते देखो। ठीक है, किस तरह आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना और आपके कैसे फैसले हो सकते हैं। आपने अगर कोई आप गलत तरीके में चले गए तो आप किस तरह उसमें से उस टीचर से कैसे निकल पाओगे, प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करोगे, आपके क्या डिसीजन होने चाहिए। कोई अगर आपको कुछ बोलता है कि भाई ये आपने ये चीज़ लेनी है या आपके कोई फैसले पूछता है तो आपको इमीडिएट फैसला लेना आना चाहिए, डिसीजन लेना। देन कम्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या घर में क्या फ्रेंड सर्कल में। देन कम्स एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है क्रिटिसिज्म, अगर आपको कोई गलत भी बोलता है तो आपको उस पर पहले गौर करना कि मेरे को गलत बोला गया कि शायद मेरे को गलती है, तो उसमें सुधार करो, उसको एक्सेप्ट करो। देन कम्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हो। तो उसके बाद आता है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आप में जो भी पोटेंशियलिटी है आपने उसको उजागर करना है। कहीं भी आप जैसे फ्री टाइम में बैठते हो पढ़ाई के बाद तो आपकी हॉबीज क्या है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, ड्राइंग अच्छी लगती है, डांसिंग, सिंगिंग, बहुत कुछ है, मोनो एक्टिंग होता है ना, इसे बच्चों में की छोटे तक ये लिखते हैं, राइटिंग कहते हैं, उसमें यूज करिए आप। इससे क्या होगी, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग में, पॉजिटिव एनवायरमेंट में काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। देट कम्स कॉम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कॉम्युनिकेशन जो होता है ना आपस में बातचीत करना, पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, ये आपका एक बाउंडिंग बनाता है। कॉम्युनिकेशन क्या करता है, बाउंड करता है हम लोग को एक दूसरे के साथ। अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं बात करेंगे तो आपको आपकी वो जो दूरियाँ ही बनी रहेंगी। पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए अपने जो भी प्रॉब्लम है, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे आप लोग बहुत गुणी बच्चे हो और बहुत ही होनहार बच्चे हो आप सभी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक क्या है, दिशा दिखानी है, आपको बताना है कि ये सब चीज़ों के लिए लाइफ स्किल कैसे टैकल करता है ड्रग अब्यूज के। समझ आया।